कोई योद्धा युद्ध नहीं करेगा तो भी मैं युद्ध करूंगा। अपने बाहुबल से मैं नारायण अस्त्र का निवारण करूंगा। वासुदेव की बात मान जाइए और गदा फेंककर रथ से नीचे उतर आइए। क्या आपने देखा नहीं कि युद्ध करने की केवल बात करने से ही नारायण अस्त्र का तेज बढ़ गया है? नहीं अर्जुन, मैं युद्ध करूंगा, अवश्य युद्ध करूंगा। मैं अपने इस गदा से अश्वत्थामा के नारायण अस्त्र को चूर चूर कर दूंगा। अपने बल के अहंकार में नारायण अस्त्र से टक्कर लेने की मूर्खता दिखा रहा है। बुद्धि का शत्रु भीम भला कृष्ण और अर्जुन की बात कहां सुनने वाला है? ये नहीं जानता कि युद्ध बाहुबल से नहीं बल्कि बुद्धि से जीते जाते हैं, बुद्धि से हार। श्री करने दीजिए भीम को आत्महत्या, करने दीजिए, अच्छा है। ऐसे ही एक एक करके हमारे शत्रु कम होते जाएंगे। हाँ युवराज, इस नारायण अस्त्र से केवल भीम का ही नहीं बल्कि पांचों पांडवों का अंत निश्चित है। हाँ अश्वत्थामा, तुम इससे अच्छी श्रद्धांजलि अपने पिता को और नहीं दे सकते थे। इससे तुम्हारे पिता श्री की भी पांचों पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी। सभी आपको युद्ध न करने की विनती कर रहे हैं, आप कब भी युद्ध कर रहे हैं? क्या आप हम सबकी विनती अनसुनी कर देंगे? भैया, यदि युद्ध करके नारायण अस्त्र को नष्ट किया जा सकता तो क्या अर्जुन युद्ध नहीं करता? मान गया कि आप हम सबसे बलशाली हैं, आपको 10,000 हाथियों का बल प्राप्त है, फिर भी आपने देख लिया कि आपका यह बल नारायण अस्त्र के विरुद्ध पर्याप्त नहीं है, फिर आप क्यों लड़ना चाहते हैं? आप अपने हथियार नीचे रखे तो देखिए कि क्या परिणाम होता है। शस्त्र नहीं है, ना ही मैं रथ पर हूं, ना ही मैं लड़ रहा हूं।
परंतु आपके मन में तो युद्ध करने का विचार है। हाँ, ये बात भी घातक है भीम भैया। जो वीर मन से भी नारायण अस्त्र से युद्ध करने का विचार भी रखता है, चाहे वो निशत्री क्यों ना हो, नारायण अस्त्र उसका विनाश कर देता है। इसलिए भीम भैया, आप नारायण अस्त्र से युद्ध करने का विचार अपने मन से निकाल दीजिए और अनन्य भाव से उसकी शरण में जाइए। नारायण अस्त्र स्वयं शांत हो जाएगा। क्षमा कर दीजिए केशव, मुझसे भूल हो गई। भीम भैया, मैं आपसे छोटा हूं, क्षमा मांगकर मुझे लज्जित मत कीजिए। हे नारायण, आज तुम्ही ने भीम और हम सबकी रक्षा की है। मैं चाहूंगा वासुदेव कि तुम्हारी कृपा दृष्टि इसी प्रकार सदा ही हम पर रहे। तथास्तु।